जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे जीवन में नींद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे ये भाई साहब को देखिए, चलिए ये भाई साहब का नींद तो गया, लेकिन आप लोगों का नींद नहीं जाएगा। नींद के लिए आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाला हूँ, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार सबसे अच्छी नींद एक ऐसे कमरे में होती है जो वयस्कों के लिए उस रूम का तापमान 15 से 19 डिग्री तक होना चाहिए और बच्चों के लिए 18 से 21 डिग्री तक होना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, विज्ञान मतलब साइंस भी इसका सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे दिन भर जाते हैं, आपका शरीर का तापमान ऊपर और नीचे आते जाते हैं। जब आपको नींद आती है तो आपके शरीर को स्लीप मोड में लाने और रेम स्लीप में सेट होने के लिए आपका तापमान गिरना शुरू हो जाता है। एक गर्म कमरा आपके शरीर को सोने के चरम तापमान तक पहुंचने से रोकता है, जिससे रात की नींद बेचैनी होती है और यहाँ तक कि अनिद्रा भी हो जाती है। यदि आप पसीने से तर जाओगे तो ये एक निश्चित संकेत है कि आपका कमरा बहुत ही गर्म है या आप बहुत अधिक कंबल या उस टाइप का कुछ उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कमरे को बहुत ठंड करके सोना भी नींद के लिए अच्छी नहीं है। बहुत अधिक ठंडा होने से आपकी मांसपेशियां गर्म रहने के लिए सिकुड़ जाती है, जिससे आप आराम करने और गहरी नींद में गिरने से बच सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।